दोस्तों, मनोज कुमार का नाम 60 और 70 के दशक की नामी सितारों में लिया जाता है। हिंदी सिनेमा के लेजेंडरी एक्टर मनोज कुमार फिल्मी दुनिया में ऐसे सितारे हैं जिन्हें भारत कुमार के नाम से जाना जाता है। वो एक्टर के अलावा फिल्म राइटर, डायरेक्टर और गीतकार भी रहे हैं। मनोज कुमार ने अपने फिल्मी करियर में कई बेहतरीन और शानदार फिल्में दी और एक जमाने में तो उनके नाम का सिक्का चला करता था। आज भी मनोज कुमार पर फिल्माए गए देशभक्ति के गाने सबकी जुबा पर है। मनोज कुमार ने अपने करियर के दौरान कई सुपरहिट देशभक्ति की फिल्में भी दी। इन फिल्मों के बाद से ही पब्लिक उन्हें भरत कुमार कहकर बुलाने लगी। वो न केवल सिर्फ एक सच्चे देशभक्त के तौर पर लोगों के फेवरेट रहे, बल्कि कलाकार के रूप में भी लोग उनकी एक्टिंग और डायलॉग डिलीवरी के कायल थे। 24 जुलाई 1937 को ब्राह्मण परिवार में जन्मे मनोज कुमार का असली नाम हरिकृष्ण गिरी गोस्वामी था। अब खैबर पख्तूनवा के नाम से पहचाने जाने वाले पाकिस्तान के एबटाबाद शहर में उनका जन्म हुआ था। आजादी के बाद उनका परिवार भारत आ गया। मनोज कुमार उस वक्त महज 10 साल के ही थे जब उनका पूरा परिवार पाकिस्तान से राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में आकर बस गया। मनोज कुमार के बारे में यह बात आम है कि वह फिल्मों में दिलीप कुमार की वजह से आए। उन्होंने बचपन में एक फिल्म देखी थी जिसका नाम था शबनम, जिसमें दिलीप कुमार और कामिनी कौशल मुख्य भूमिकाओं में थे। फिल्म में दिलीप कुमार के किरदार का नाम था मनोज और फिल्म देखकर मनोज कुमार इतने प्रभावित हुए कि अपना नाम ही मनोज कुमार रख लिया, जबकि उनका नाम तो था हरिकृष्ण गिरी गोस्वामी। फिर क्या, दिल्ली के हिंदू कॉलेज से स्नातक की शिक्षा हासिल कर मनोज कुमार अभिनेता बनने का सपना लेकर मुंबई चले आए। कॉलेज के दिनों में ये काफी अच्छे दिखते थे, इसीलिए हीरो बनने की चाहत ने थिएटर से जुड़ गए। उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत साल 1957 में आई फिल्म फैशन से की। इस फिल्म में मनोज कुमार ने एक 80 वर्षीय बुजुर्ग का किरदार निभाया था। इसके बाद साल 1960 में उनकी फिल्म कांच की गुड़िया रिलीज हुई। इस फिल्म में वह बतौर लीड अभिनेता नजर आए थे, जो सफल रही। उनके करियर की बैक थ्रू फिल्म रही हरियाली और रास्ता। विजय भट्ट के निर्देशन में बनी ये फिल्म साल 1962 में रिलीज हुई थी और मनोज कुमार की ये पहली बड़ी सफलता रही। फिर मनोज कुमार ने काफी अभिनेत्रियों के साथ काम किया, मगर माला सिन्हा के साथ उनकी जोड़ी को खूब पसंद किया गया। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में रोमांटिक किरदार निभाए। फिर साल 1964 में आई राज खोसला निर्देशित थ्रिलर फिल्म वो कौन थी उनकी बड़ी हिट रही। इस फिल्म में साधना फीमेल लीड रोल में थी और इसके अगले ही साल 1965 में उनकी एक और सुपरहिट फिल्म गुमनाम रिलीज हुई। फिल्म गुमनाम 24 दिसंबर 1965 को रिलीज हुई थी। इसे नावाते ने निर्देशित किया था। फिल्म 1939 में आए मिस्ट्री नोवेल एंड एन देयर वन नन पर आंशिक रूप से आधारित थी। फिल्म के सस्पेंस ने उस दौर में दर्शकों को नई तरह की कहानी दी और यह फिल्म बड़ी हिट साबित हुई। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस दौर में इस फिल्म ने 2.5 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। फिल्म गुमनाम साल 1965 में भारत की 8वीं हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी बनी थी। इस फिल्म में लीड रोल में नंदा और मनोज कुमार थे। इस फिल्म में उनके साथ प्राण महमूद और हेलेन के अलावा अन्य कलाकारों ने भी काम किया था। मनोज कुमार और अभिनेत्री नंदा की जोड़ी भी बॉलीवुड में काफी लोकप्रिय रही। फिल्म गुमनाम के अलावा भी इन्होंने कई फिल्में साथ की। एक बार अभिनेत्री को याद करते हुए मनोज कुमार ने बताया था कि उनका उधार उनके अंत समय तक मैं नहीं उतार पाए। मनोज कुमार ने नंदा को याद करते हुए कहा था कि मैंने उनके साथ पहली फिल्म की थी बेदाग, वो मुझसे काफी सीनियर थी, पर उन्होंने मुझे इस बात का एहसास कभी होने नहीं दिया। कहते हैं कि एक औरत में एक हिस्सा ममता का भी होता है और नंदा जी में इसकी झलक साफ दिखती थी। मनोज कुमार ने आगे बताया कि दूसरी फिल्म जो मैंने उनके साथ की थी वो गुमनाम थी, जिसका थोड़ा बहुत हिस्सा मैंने ही लिखा था और निर्माताओं के कहने पर
मैं उस फिल्म का निर्देशक भी बना और इस नाते मुझे नंदा जी जैसी बड़ी कलाकार को निर्देश भी देने थे, पर उन्होंने इतनी विनम्रता से मेरे साथ काम किया कि मैं उस दिन के बाद से उनका कायल हो गया। मनोज कुमार और नंदा की बेहद चर्चित फिल्म शोर भी रही। मनोज कुमार ने बताया कि इस फिल्म के लिए पहले वो शर्मिला टैगोर को लेने वाले थे, लेकिन बात नहीं बनी। मनोज कुमार ने आगे कहा, फिर मैंने स्मिता पाटिल के पास इस किरदार को करने के लिए प्रस्ताव भेजा, पर उन्होंने भी मना कर दिया। तब मेरी पत्नी शशि ने कहा कि आप नंदा को क्यों नहीं कहते। मैंने कहा कि अच्छा नहीं लगता, वो इतनी बड़ी स्टार है और जिस काम को औरा ने मना किया हो वो उसे क्यों करेगी। आगे उन्होंने बताया कि फिर मैंने अपनी पत्नी के कहने पर नंदा को फोन किया और नंदा जी ने मुझे अपने घर बुलाया और कहा कि मैं एक शर्त पर आपकी फिल्म करूंगी और वो ये शर्त है कि मैं इस फिल्म के लिए आपसे एक रुपया नहीं लूंगी। मनोज कुमार ने कहा कि किसी के एहसान का बदला आप नहीं चुका सकते, लेकिन फिर भी मैंने हर कोशिश की कि नंदा जी का एहसान उतार सकूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया। खैर, साल 1965 में रिलीज हुई फिल्म गुमनाम तक तो मनोज कुमार का रोमांटिक हीरो का किरदार था। फिर देशभक्ति पर आधारित फिल्मों से मनोज कुमार का जुड़ाव हुआ साल 1965 में ही आई फिल्म शहीद से, जिसमें उन्होंने सरदार भगत सिंह का किरदार अदा किया। प्रेम धवन द्वारा रचित इस फिल्म का संगीत बेहद सफल रहा था और आज भी देशभक्ति के गीतों के लिए जाना जाता है। मेरा रंग दे वसंती चोला, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, पगड़ी संभाल जत्ता और ए वतन बजते हैं तो आज भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फिर इसके बाद साल 1967 मनोज कुमार के लिए काफी अच्छा साबित हुआ। रोमांटिक ड्रामा पत्थर के सनम और उपकार बड़ी हिट रही। उपकार इसलिए भी खास है क्योंकि इसके साथ उन्होंने निर्देशन के क्षेत्र में भी कदम रखा था। इस फिल्म के बाद से ही उन्हें भरत कुमार का नाम मिल गया। उपकार फिल्म उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के कहने पर बनाई थी। दरअसल साल 1965 में मनोज कुमार की फिल्म शहीद की स्क्रीनिंग दिल्ली में होनी थी और इस स्क्रीनिंग के दौरान मनोज कुमार की लाल बहादुर शास्त्री से मुलाकात हुई और फिर इसी साल 1965 में भारत और पाकिस्तान की जंग भी हुई थी। तब इस जंग के बाद ही मनोज कुमार ने तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री से मुलाकात की थी, जिसमें उन्होंने अभिनेता से जंग से होने वाली परेशानियों पर एक फिल्म बनाने को कहा था। तब लाल बहादुर शास्त्री ने मनोज कुमार से ये भी कहा कि आप सेना और सुरक्षा पर तो फिल्में बनाते हैं, लेकिन जवानों के साथ देश का भरण पोषण करने वाले किसानों पर भी कोई फिल्म बनाए। शास्त्री जी की इस बात से मनोज कुमार काफी प्रभावित हुए। मनोज कुमार ने तुरंत ही लाल बहादुर शास्त्री से किसानों पर फिल्म बनाने का वादा कर लिया। इसके बाद वह दिल्ली से मुंबई के लिए ट्रेन में निकल पड़े। दिल्ली से मुंबई के इस 24 घंटे के सफर में ही उन्होंने सेना और किसान पर फिल्म की कहानी लिख दी। मनोज कुमार ने लाल बहादुर शास्त्री की सलाह को स्वीकारा और मात्र 24 घंटे में ही एक ऐसी फिल्म की कहानी लिख दी जिसने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की। हालांकि इस फिल्म को खुद लाल बहादुर शास्त्री नहीं देख पाए। ताशकंद से लौटने के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी इस फिल्म को देखने वाले थे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका और उनकी डेथ हो गई। खैर, इस ब्लॉकबस्टर फिल्म का प्रभाव आजकल भारतीय सिनेमा और ऑडियंस पर भी बना हुआ है। यह फिल्म लाल बहादुर शास्त्री के दिए नारे जय जवान जय किसान पर आधारित थी, जिसमें सेना और किसान दोनों को देश का सबसे बड़ा कर्तव्यधर्ता और रक्षक बताया गया है। फिल्म उपकार ने कुल 6.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। फिल्म का गाना मेरे देश की धरती इतना बड़ा हिट हुआ कि आज भी 15 अगस्त और 26 जनवरी के मौके पर स्कूलों और कॉलेजों से लेकर घरों तक खूब बजाया जाता है। इस गाने को महेंद्र कपूर ने गाया था। फिल्म को कई कैटेगरी में फिल्मफेयर अवार्ड भी मिले। फिर साल 1972 में रिलीज हुई फिल्म बेईमान के लिए मनोज कुमार को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्मफेयर अवार्ड दिया गया और साल 1975 में आई
फिल्म रोटी कपड़ा और मकान के लिए भी उन्हें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। इतना ही नहीं, उनके शानदार फिल्मी सफर को देखते हुए साल 1952 में उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया, जबकि साल 2016 में तो भारत सरकार ने उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा। वैसे मनोज कुमार की फिल्म क्रांति हिंदी सिनेमा की ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक है, जिसने कमाई के कई रिकॉर्ड अपने नाम किए, क्योंकि इस फिल्म को खुद मनोज कुमार ने डायरेक्ट भी किया था। इस फिल्म में मनोज कुमार के साथ कई लेजेंडरी एक्टर नजर आए, जिनमें दिलीप कुमार, हेमा मालिनी, प्रेम चोपड़ा, शत्रुघ्न सिन्हा, शशि कपूर, परवीन बॉबी, सारिका और निरूपा रॉय जैसे एक्टर्स लीड रोल में थे। फिल्म को लगभग 3 करोड़ रुपए में बनाया गया था और इसने बॉक्स ऑफिस पर 16 करोड़ रुपए का कारोबार किया। मगर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के तौर पर देखा जाए तो मनोज कुमार की इस फिल्म को हिंदी सिनेमा के इतिहास में मील का पत्थर माना गया। फिल्म देशभक्ति के विषय पर बनाई गई थी और उस दौर का कमाल का एक्शन भी फिल्म में देखने को मिला था। लेकिन इस फिल्म की शूटिंग के दौरान हेमा मालिनी ने एक बार सफेद साड़ी पहनने से सिर्फ एक दिन के लिए मना कर दिया था, जिससे इतना नाराज हुए मनोज कुमार कि उन्होंने हेमा मालिनी जैसी बड़ी एक्टर को पूरे दिन सेट पर बिठाए रखा, लेकिन उनके साथ कोई सीन शूट नहीं किया। फिल्म क्रांति साल 1981 में रिलीज हुई थी। हेमा मालिनी मनोज कुमार के डायरेक्शन में बन रही फिल्म क्रांति में लीड रोल में थी। इस फिल्म को बनने के दौरान ही हेमा ने धर्मेंद्र से साल 1980 में शादी की थी और इसका पता तब इंडस्ट्री में किसी को नहीं था। शादी के बाद हेमा मालिनी शूटिंग पर चली आई। मनोज कुमार के साथ उस दिन हेमा का वही सीन था जिसमें उन्हें सफेद साड़ी पहननी थी, लेकिन हेमा ने इसे पहनने से मना कर दिया। हेमा ने मनोज कुमार से कहा कि ये सीन किसी और दिन शूट किया जाए, वह सफेद साड़ी पहनने का ये सीन नहीं कर सकी थी। मनोज कुमार को हेमा की बात समझ नहीं आई और उन्होंने कहा कि सीन की पूरी तैयारी तो हो चुकी है और वह केवल एक साड़ी के लिए शूट कैंसिल नहीं कर सकते। वह नाराज हो गए, लेकिन हेमा अड़ी रही। फिर एक इंटरव्यू में हेमा मालिनी ने बताया था कि उस दिन सफेद साड़ी केवल इसीलिए नहीं पहनी क्योंकि उनकी शादी तो उसी दिन हुई थी। ये बात मनोज कुमार को भी नहीं पता थी। बस इसी बात से मनोज कुमार इतने खफा हुए कि हेमा को पूरे दिन सेट पर बिठाए रखा, लेकिन उनका कोई सीन शूट नहीं हुआ। हेमा को लगा कि शायद कुछ देर बाद उनका कोई दूसरा सीन शूट हो जाएगा। इसके कारण वो पूरे दिन बैठी रही, लेकिन पूरे दिन उनका कोई भी सीन शूट नहीं हुआ। वैसे हिंदी सिनेमा में कई सदाबहार फिल्में इतने सालों के बाद भी दर्शकों को पसंद आती है, जिसका क्रेज आज भी खत्म नहीं होता, और उन्हीं में से फिल्म क्रांति भी शुमार थी, जिसमें मनोज कुमार ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। हालांकि उस फिल्म में उन्हें काफी फायदा भी मिला। दरअसल फिल्म क्रांति को बनाने के लिए मनोज कुमार ने अपना प्लॉट और बंगला तक बेच दिया था। साल 1981 में रिलीज हुई फिल्म क्रांति हिंदी सिनेमा की सदाबहार और शानदार फिल्मों में से एक है, जिसे दर्शकों का बेहद प्यार मिला और कमाई के भी इसने कई रिकॉर्ड तोड़े। लेकिन इस फिल्म में अभिनेता मनोज कुमार ने न सिर्फ अभिनय बल्कि निर्देशन भी किया था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म क्रांति के लिए मनोज कुमार ने अपना सब कुछ दांव पर लगा लिया था। उन्होंने इसे बनाने के लिए अपनी जमीन और घर तक बेच दिया था। कहा जाता है कि अगर यह फिल्म बड़े पर्दे पर फ्लॉप साबित हो जाती तो मनोज कुमार का करियर बिल्कुल खत्म हो जाता। बहरहाल ऐसा नहीं हुआ और इसने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया। बता दें कि मनोज कुमार ने क्रांति को बनाने के लिए अपने सपनों की जमीन तक बेच दी, जो जुहू में मौजूद थी, जिस पर मनोज कुमार एक थिएटर बनाना चाहते थे। लेकिन फिल्म क्रांति के लिए एक्टर ने अपनी सारी संपत्ति बेचकर 180 दिनों तक जैसे तैसे अपने पैसे से फिल्म को बनाया, जो उस वक्त की महंगी फिल्मों में शुमार थी। इस फिल्म को लेकर मनोज कुमार को सिनेमा प्रेमियों से काफी उम्मीदें भी थी। जब यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर लगी तो वो उनकी उम्मीदों पर खरी उतरी भी। दर्शकों को उन्हें खूब प्यार मिला।
फिल्म मल्टी स्टारर थी, जिसमें मनोज कुमार के साथ सुपरस्टार दिलीप कुमार, शत्रुघ्न सिन्हा, शशि कपूर, हेमा मालिनी, परवीन बॉबी जैसे बड़े कलाकार नजर आए। सभी ने अपने किरदारों के साथ जबरदस्त एक्टिंग की। वैसे ये फिल्म ऐसी भी रही जिसमें मनोज कुमार और दिलीप कुमार के बीच दूरियां ला दी। वैसे तो मनोज कुमार दिलीप कुमार को अपना आदर्श मानते थे, कई बार उन्होंने कबूल भी किया कि वह आज जहां भी है सिर्फ दिलीप कुमार की वजह से। दिलीप कुमार भी मनोज कुमार को काफी मानते थे। हालांकि दोनों ने सिर्फ दो ही फिल्मों में साथ काम किया, पहला आदमी और दूसरी क्रांति। क्रांति फिल्म को मनोज कुमार ने ही निर्मित और निर्देशित किया था, लेकिन इस फिल्म के रिलीज के बाद कुछ ऐसी बातें हुई कि दिलीप कुमार मनोज कुमार से खफा हो गए और कभी उन्होंने उनसे बात नहीं की। जब फिल्म रिलीज हुई तो मनोज कुमार ने ऐसी बातें मीडिया में कही जिससे दिलीप कुमार काफी खफा हुए। मनोज कुमार ने कहा कि दिलीप साहब को जो बात सबसे ज्यादा परेशान कर रही है वह यह कि क्रांति मनोज कुमार की फिल्म के नाम से जानी जा रही है, न कि दिलीप कुमार के नाम से। उन्होंने यह भी कहा कि दिलीप कुमार की अब सेलेब्स वैल्यू नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटर दिलीप साहब के नाम पर फिल्म खरीदना तक नहीं चाहते। असल में क्रांति से पहले पिछले 10 सालों में दिलीप कुमार की कोई फिल्म ब्लॉकबस्टर नहीं हुई थी। इसलिए मनोज कुमार ने यह भी कहा कि कई निर्माता निर्देशक तो फिल्म के रिलीज होने का इंतजार कर रहे थे ताकि वह देख सके कि अब दिलीप कुमार के नाम से फिल्म बिकती भी है या नहीं। मनोज कुमार ने कहा कि फिल्म क्रांति इसीलिए बिकी क्योंकि वह मेरी फिल्म थी। मनोज कुमार द्वारा दिए गए इन बयानों से दिलीप कुमार काफी आहत हुए। इस फिल्म के बाद उन्होंने मनोज कुमार से दूरियां बना ली और कसम खा ली कि वह आगे मनोज कुमार के साथ किसी भी तरह से नहीं जुड़ेंगे, न ही पर्सनली और न ही प्रोफेशनली। दिलीप कुमार की मनोज कुमार के साथ ये आखिरी फिल्म थी। व्यक्तिगत रूप से भी उन्होंने मनोज कुमार के साथ सारे रिश्ते खत्म कर लिए और यही कारण है कि जब मनोज कुमार के पिता नहीं रहे तब भी दिलीप कुमार मनोज कुमार के घर शोक संवेदना प्रकट करने नहीं गए। वैसे मनोज कुमार की निजी जिंदगी की बात करें तो उनकी पत्नी का नाम शशि गोस्वामी है और उनके दो बेटे हैं कुणाल गोस्वामी और विशाल गोस्वामी। अब मनोज कुमार अपने परिवार के साथ अपनी रिटायर लाइफ एंजॉय कर रहे हैं और वो 86 साल के हो चुके हैं।